अब हम अभ्यास देखेंगे। प्रश्न एक देखिए, निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों के साथ दी गई विभक्तियों के रूप रिक्त स्थानों में लिखिए। क्योंकि अभी आपको शब्द रूप याद नहीं है, तो इसलिए हम जो सामने आपके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द हैं उनमें से देखकर ही अभी इन्हें भरेंगे, लेकिन बाद में याद करेंगे और अगली बार इनकी सहायता से, जो हमने याद कर रखा है उनकी सहायता से इन्हें दोबारा से भर के देखेंगे। तो पहला शब्द है हमारा बालक, बालक की प्रथमा विभक्ति। अब बालक अकारांत पुल्लिंग है, तो बाल कह, बालकौ, बाल कहा। अब सिंह, सिंह की तृतीया, सिंहेन, सिंहाभ्याम, सिंहई। वानर की चतुर्थी विभक्ति क्या है? वानराय, वानराभ्याम, वानरेभ्य। देव की पंचमी विभक्ति देवात, देवाभ्याम, देवेभ्य। और वृक्ष की सप्तमी विभक्ति क्या बनती है? वृक्षे, वृक्षयोः, वृक्षेषु। अब हम देखेंगे प्रश्न दो, स्तंभ कै का स्तंभ खै से मिलान कीजिए। अब इसमें शब्द दे रखे हैं और सामने विभक्ति से इन्हें मैच करना है। बालई, तो देवेन, देवाभ्याम, देवई, यानी तृतीया विभक्ति। पिकस्य, कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। वृक्षात, वृक्षात कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति। नृपेशु, कौन सी विभक्ति में आता है? सप्तमी में, क्योंकि देवे, देवियो, देवेशु, तो नृपे, नृपयो, नृपेशु। देवाय, चतुर्थी विभक्ति। मयूरान, द्वितीय विभक्ति, क्योंकि देवम, देवौ, देवान, मयूरम, मयूरौ, मयूरान। गजानाम, षष्ठी विभक्ति। अब हम प्रश्न तीन देखेंगे, निम्नलिखित स्त्रीलिंग शब्दों के साथ दी गई विभक्तियों के रूप रिक्त स्थानों में लिखिए। बालिका प्रथमा विभक्ति, बालिका, बालिके, बालिकाहा। अजा द्वितीय विभक्ति, अजाम, अजे, अजाह। सूचिका पंचमी विभक्ति में, सूचिकायाः, सूचिकाभ्याम, सूचिकाभ्य। कलिका षष्ठी विभक्ति, कलिकायाः, कलिकयोः, कलिकानाम। तुला सप्तमी विभक्ति, तुलायाम, तुलियोः, तुलासु। अब हम देखेंगे प्रश्न चार, निम्नलिखित नपुंसकलिंग शब्दों के साथ दी गई विभक्तियों के रूप रिक्त स्थानों में लिखिए। पुस्तक प्रथमा विभक्ति, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। कमल द्वितीय विभक्ति, क्योंकि नपुंसकलिंग के पहली दोनों लाइनें एक जैसी होती हैं, तो क्या बन जाएगा? कमलम, कमले, कमलानि। पत्र तृतीय विभक्ति, अब इसमें आएगा पत्रेण, पत्राभ्याम, पत्रई। आप बोलेंगे न क्यों नहीं? क्योंकि इसमें र की साउंड है, तो र वाले जो शब्द होते हैं उसकी तृतीय विभक्ति में अण आता है। पत्रेण, पत्राभ्याम, पत्रई। फल पंचमी विभक्ति, फलात, फलाभ्याम, फलेभ्य। अब हम देखेंगे प्रश्न पांच, निम्नलिखित शब्दों की कोष्ठक में दी गई सही विभक्ति व्यवचन पर सही या राइट तथा गलत पर क्रॉस का चिन्ह लगाना है। गजाए तृतीय विभक्ति द्विवचन, गलत, क्योंकि गजाए कहाँ पे आता है? चतुर्थी विभक्ति एकवचन में। सभायाम सप्तमी विभक्ति एकवचन, बिल्कुल ठीक, क्योंकि इसका मूल शब्द क्या है? सभा, तो लता की तरह चलेगा, लतायाम सप्तमी विभक्ति एकवचन। लतायी तृतीय विभक्ति द्विवचन, गलत, क्योंकि लतायी कहाँ पे आता है? चतुर्थी विभक्ति एकवचन में। देवेन तृतीय विभक्ति एकवचन, ठीक है ये है। कलिके प्रथमा विभक्ति बहुवचन, गलत, कलिके कहाँ पे आता है? प्रथमा विभक्ति में द्विवचन में। कन्याम द्वितीय विभक्ति एकवचन, ठीक है यह है।
शरीरस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन, बिल्कुल ठीक। बालात सप्तमी विभक्ति बहुवचन, गलत है ये, क्योंकि बालात पंचमी विभक्ति में आता है।